हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर एक न्यू वीडियो में। तो आप सभी को तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, 1K सब्सक्राइबर पूरा हो गए और पिछले 28 डेज में लगभग 1.5 लाख व्यू आया है मेरे चैनल पे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अभी यहाँ हैं हम नेपाल में और पहाड़ी के पास से हम एक प्यारा सा आपका हंटर का रिव्यू देने वाले हैं। हंटर लिटरली बहुत ही बढ़िया बाइक है, मतलब इसको आप कहीं भी चला सकते हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल लगता है। ऐसा नहीं है कि मीटियोर अगर क्रूजर बाइक है तो इससे आप ज़्यादा दूर दूर तक नहीं जा सकते हैं। फिलहाल इसको हम पिछले 2 दिनों से लगभग 300 किलोमीटर इसको हम ड्राइव कर चुके हैं और कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। ट्यूबलेस है, प्रॉपर सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। तो अभी आप देख रहे हैं इसका रिबल ब्लैक कलर, जो कि काफ़ी डिमांडेड कलर है और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी मतलब दिखती है। और रेट्रो में मिले गए और इसका डबल टोन कलर बहुत ही बेहतर लगता है। और साथ में ही आपको इसके फ्रंट में मिल जाता है 300 mm का डिस्क ब्रेक विथ ABS और बैक में मिल जाता है 240 mm का डिस्क ब्रेक विथ ABS। इसके साथ ये गाड़ी बहुत ही स्पेशल हो जाती है। और इसके इंजन का बात करें तो नया J सीरीज का इंजन है, जिससे लॉन्ग राइड के लिए और मतलब ज़्यादा कैपेबल है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी लो है। तो बिल्कुल आप इसको लॉन्ग राइड के लिए भी अगर चाहें तो एकदम ले जा सकते हैं। इसमें हमने एसोसरीज में हल्का फुल्का बस ऐसे बैक रेस्टर वगैरह डलवा रखा है, विंडशील्ड, जिससे थोड़ा गाड़ी का लुक इन्हेंस होता है। और इधर नेपाल में हैं हम, अभी देख रहे हैं मेरे गाड़ी के पीछे पूरा पहाड़ी है और इधर से लोग भी आ जा रहे हैं, तो मस्त वाला सीन हो रहा है। अभी इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है लिटरली गाड़ी में, और पावर पिकअप वगैरह तो सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। और इस गाड़ी में अभी दिक्कत की बात आई तो लगभग कुछ नहीं, बस थोड़ा अभी हैंडल वगैरह में ये हो जाता है, बट उससे कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अभी देख सकते हैं हंटर 350 के साथ हम आए हुए हैं नेपाल और यहीं से आपको एक छोटा सा रिव्यू दिए हैं। तो आप अगर कोई भी हंटर लेना चाहते हैं तो बेझिझक आप ले सकते हैं, क्योंकि गाड़ी लिटरली बहुत ही बढ़िया यार। और इतने प्राइस में आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है, एलवाई व्हील मिल जाता है और डिजिटल मीटर मिल जाता है, हर एक चीज़ मिल जाता है आपको, डबल ABS मिल जाता है, डबल डिस्क मिल जाता है, फुली ब्लैक पाउडर कोटेड आपको इंजन मिल जाता है। इससे क्या होगा कि जो भी डस्ट वगैरह होते हैं और पानी वगैरह से अगर आप धुलते हैं ना, तो इस पर येलो का निशान वगैरह नहीं आएगा। इसमें फ़ोन चार्जिंग है और फ़ोन चार्जिंग के लिए तो रॉयल इनफील्ड के बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यार मेरा आईफोन है, इसका बैटरी यार चलता नहीं है, बहुत ही पहले का है, 3-4 साल हो गया, इसमें चार्जर दिया हुआ है। तो बहुत मस्त था, जहाँ वीडियो बनाना रहता था हमें वहाँ पे ये कर देते थे फिर इसको लगा देते थे। देख सकते हैं इसका डिस्क ब्रेक क्या स्थिति है। फिलहाल हम अभी ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं किए हैं, ऐसे नॉर्मल ही रूट में अभी चल रहे हैं और फिलहाल आज कहीं जाने वाले हैं, तो आज देखते हैं आज क्या रिस्पॉन्स रहता है गाड़ी का। बट अभी तक तो बहुत ही बढ़िया चला है कहीं भी, और इसको ये ड्राइव करने इतना ज़्यादा ईजिली है, मतलब थोड़ा सा भी जगह कहीं मिलता है फट से ना इसको टर्न कर सकते हैं आप बहुत ही ईजिली, तो बहुत ही बेटर लग रहा है। और बताइए आपकी हंटर पहाड़ी के बीच में कैसा लग रहा है, पहाड़ के बीच में हंटर कैसा फील दे रहा है आपको। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और जितने भी लोग देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरा जो बुलेट है उसको अभी हम घर पर छोड़ दिए हैं, उसे नहीं है क्योंकि इसमें स्पोक व्हील है, कंफर्टेबल तो होता है बट हमें लगा कि कहीं पंचर वगैरह का कोई सीन हो जाए, फिर राइड पे थे लोग तो फिर रुकना पड़ता है, ज़्यादा डिले हो जाता है। बट मेरे टीम में जितना और भी लोग आए हैं वो सारे लोग आए हैं लगभग उसी से, कोई एस्क्रेम कोई हिमालयन, तो सारे में स्पोक व्हील ही हैं, वो भी ठीक होता है, ड्यूरेबल होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, डबल टोन कलर में है ये रिबल ब्लैक, आपको गियर वगैरह सारा का सिस्टम मिल जाता है, फ्यूल वगैरह सब कुछ दिखाएगा, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम और सब एक और ही हजार्ड लाइट है, वो भी बहुत ही बेटर है, इसे एक साथ में आपको चारों इंडिकेटर जलेगा, जिससे राइड करने में आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर फील होता है। तो अभी देख सकते हैं हंटर 350 को पहाड़ी के बीच